गुरुग्राम के कमान सराय स्थित कांग्रेस कार्यालय में नगर निगम चुनावों को लेकर पूर्व मंत्री करण दलाल कप्तान अजय यादव और सुखबीर कटारिया की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अजय यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेगी। उन्होंने बताया कि आज एक कमेटी भी गठित की गई है जो पार्टी उम्मीदवारों का चयन करेगी, साथ ही एक स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बार नगर निगम चुनावों में सभी 40 वार्डों में कांग्रेस परचम लहराएगी। नहीं, कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद और उनके जो सर्वेक्षण रिपोर्ट लेने के बाद सबसे सलाह करके ही उम्मीदवारों का चयन तय किया जाएगा, यही फैसला आज की मीटिंग में सभी साथियों ने किया है। उमेश गर्ग, ह्यूमन इंडिया। टिकट के लिए क्या क्राइटेरिया रखेंगे आप, जैसे मतलब जो कैंडिडेट को देंगे? जो आवेदन कमेटी है इसमें जो आवेदन आएंगे उनके ऊपर विचार होगा। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मान लीजिए कोई ऐसे वार्ड हैं जहां हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का जो दावेदारी है उसमें ज़्यादा अगर कोई ताकत नहीं नज़र आती है तो जो और वहाँ अच्छे लोग हैं उनसे भी हम संपर्क करेंगे। हमारे सभी साथियों ने आज बड़े व्यापक तौर पर चर्चा करके इस चुनाव को जीतने का हमने कार्यक्रम बनाया है, तो आवेदन भी मांगेंगे। आवेदन से बाहर भी अगर हमें किसी को लाना पड़ा तो उनसे भी बात करेंगे। मनोज मौर्य जी, कितनी तारीख से लिए जाएंगे? मतलब ये तो आज से ही शुरू हो गया है, तो इसके लिए कोई यहाँ बैठेगा ऑफिस में या कैसे? हाँ देगा, हाँ नहीं बात सभी का हमेशा तीन चार लोग बैठेंगे। हिमांशु वायरल सचिन, सर संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी के आवाज़ को दबा दिया जाता है, सवाल के जवाब नहीं दिए जाते, क्या लगता है ऐसे कांग्रेस आगे? ये लोकतंत्र की हत्या है। आप देखिए मेरे को कभी भी अगर किसी की अगर बात अगर आपने संसदीय जो आपकी जो प्रणाली है उसमें अगर आप स्पंज करना चाहते हैं तो स्पीकर ऑन द स्पॉट करता है। अब जो है बाद में दबाव में आके स्पीकर का जो चेयर है वो प्रोटेक्शन देती है मेंबर के राइट्स को, और राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए थे उस पर एक का भी जवाब जो है प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। और क्योंकि ये बताया गया कि उनका रिश्ता क्या है, किन किन देशों में वो गए थे और वहाँ पर उनको कंट्रैक्ट मिला, उन्होंने ये भी कहाँ आपने यात्रा साथ करी, और आप उन्होंने जो प्रश्न किए थे उनको अगर एक्सपेंज आप कर देते हैं तो ये लोकतंत्र की हत्या है। संजय खन्ना जी, न्यूज़ नेशन से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर हाइडनबर्ग ने ये खुलासा ना किया होता कि जो अडानी ग्रुप है वो किस तरीके से षड्यंत्र के तहत जो देश के हुकूमत के साथ मिल करके ठगी करने का काम कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, तो ये नौबत इस देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी ने आने ही नहीं देनी थी, क्योंकि मीडिया चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो दूसरा मीडिया है सबके ऊपर उनका दबदबा बना हुआ है। तो हाइडनबर्ग जिसने पूरी दुनिया के जो खुलासे आज तक किए उन खुलासों को चुनौती नहीं दी जा सकी। अडानी जी ने कहा कि मैं कंटेंट प्रोसीडिंग लाऊंगा, मैं इनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। हाइडनबर्ग ने भी कहा, इस देश के लोगों ने भी कहा कि अगर हिम्मत है तो हाइडनबर्ग की रिपोर्ट को आप चुनौती दें, उनके खिलाफ आप केस दायर करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि इसमें सनी हुई है इन आरोपों में, तो इन सबकी हिम्मत नहीं है कि हाइडनबर्ग के उन आरोपों का ही जवाब दे सकें। राहुल जी ने जो हाइडनबर्ग का खुलासा होने के बाद जो एक साथ शेयर्स में गिरावट का आने का काम हुआ, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती की संभावना बन चुकी है। कहीं देश हमारा श्रीलंका जैसे हालात में ना पहुंच जाए, तो राहुल जी के सवाल बहुत बढ़िया सवाल थे, भारत सरकार को प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था। उनका जवाब ना देना, उनका राहुल जी को अडानी के किसी इशू को एड्रेस ना करना और बैठक उठ जाने के बाद उनको एक्सपेंज करना, ये गैर प्रजातांत्रिक, पहली दफा इस देश के अंदर ऐसा हुआ है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जो कहता था न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज खा भी रहा है खाने भी दे रहा है। देश के हालात बिगड़ने के जो आज आप अखबारों में देखिए, बेरोजगारी कहाँ पहुँच चुकी है, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है, केवल धनाढ्य लोगों के हितों को साधने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है। तो राहुल जी के अगर सवालों का जवाब देते तो देश के सामने इनकी पोल खुलने का डर बना हुआ था, इसलिए जानबूझकर इन्होंने राहुल जी को
माने सर नगर निगम है या कोंडागांव नगर निगम है, उसके बारे में सभी साथियों ने आवेदन कमेटी का आज गठन किया है और आवेदन जो मांगने का जो काम कर रहे हैं उसमें जो पार्टी के सभी लोग उनकी पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के बाद, उनकी लोकप्रियता का पता करने के बाद, उनके दूसरे हालातों का पता करने के बाद फिर उनको चुनाव लड़ाने का फैसला करेंगे। देखिए जैसे ही एक पता लगा कि भाई कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़ रही है तो लोगों के अंदर इतना भारी उत्साह देखने को मिला कि जैसा सोचा भी नहीं था कि भाई इस तरीके का एक जनसैलाब, लोगों की भावना कांग्रेस के साथ जुड़ी है एक ज़बरदस्त जोश के साथ। आज कांग्रेस की एक बैठक हुई है, आज उस बैठक में जिस तरीके का डिसाइड किया आप लोग सब मौजूद थे उसमें, आज एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जो आवेदन जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो उस कमेटी को आवेदन देंगे, उसके बाद कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी में भेज के और उसके बाद उनका चयन किया जाएगा। जो आज बैठक हुई है देखिए निगम के चुनाव अभी घोषित नहीं हुए, निगम के चुनाव का माहौल है तो उसके लिए हमारी पहली बैठक है जिसमें करण दलाल जी और कैप्टन अजय यादव जी की अध्यक्षता में आज इस बैठक का आयोजन किया और आप लोग यहाँ मौजूद थे, आपने देखा किस भारी तादाद से बाहर तक लोगों की लाइन थी कि भाई किसी तरीके हम अपने नेताओं से मिल सके और कांग्रेस के प्रति एक उठाव जो देखने को मिला भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपके सामने है। इस समय महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगार से आज जनता त्रस्त है। नगर जो आपकी निगम है गुड़गांव निगम, ये एक तरह से नरक निगम का काम यहाँ पे हो रहा है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, इतनी जबरदस्त लूट इसके अंदर है कि आपको सब चीज़ों का बयान आपको मैं कर नहीं सकता, इस समय समय का अभाव है। तो ये हमारी तैयारी पूरी है, अब मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि 40 के 40 वार्डों में हम परचम लहराएंगे और मेयर कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है मानेसर में भी और गुड़गांव में भी।